तो उसके अंदर ऐसा होने वाला है, जैसे कि हम आपको पता रहेगा कि हर बार की तरह हम एक कोई डिश लेते हैं उसके साथ हमें कुछ कुक करना होता है। तो आज हमें करना है, हमने आज का जो हमारा मेन डिश है वो है आटा, और हमें इससे बनाना है पूड़ी, वो भी सिंपल पूड़ी नहीं, इसे हमें थोड़ा कुछ अलग अलग टाइप की पूड़ी बनाना है। तो मैं बनाना कुछ अलग और आयुषी बनाएगी कुछ अलग, और हमें मिलेगा 5 मिनट का टाइम। 5 मिनट के अंदर हमें इसका डो बना के तैयार कर लेना, जो फ्राई एक साथ करेंगे। नहीं, फ्राई भी 5 मिनट के अंदर ही करना है ना? नहीं नहीं नहीं, फ्राई एक साथ करेंगे, एक एक पूरी का जो भी रहेगा। अच्छा, मतलब 5 मिनट के अंदर सिर्फ डो बनाना है ताकि मम्मी को गर्मा गर्म हम सर्व कर सके। मम्मी है जज हमारी, तो जो हमें टेस्ट करके बताएगी, और जो हारेगा उसको मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो मास्टर शेफ है ये, और जो पनिशमेंट है वो चैलेंज भी जरूर मिलेगा, आगे कंटिन्यू होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, और अभी देखते हैं मैं कौन सा क्या बनाता हूँ और क्या बनता है, तो आपको भी कुकिंग ग्राउंड में पता चलेगा, मेकिंग ग्राउंड में, कि हम कैसा बनाने वाला हूँ। और तू क्या बनाने को बता दे, मैं क्यों बताऊ? ठीक है, चलो आयुषी बताएगी अपने वो अपने राउंड में, और जो भी चैनल पर नए प्लीज जाकर फटाफट से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो ना भूलिए। हाँ, लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो हमारे चैनल पर फॉलो कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं कुछ नए स्टाइल में पूरी। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए मेकिंग राउंड में, और अभी मैं बना रहा हूं, और मेरे पास जो 5 मिनट का टाइमर है उसको मैं स्टार्ट कर देता हूं। इसके अंदर सिर्फ डो बनाना है, फ्राई नहीं करना है। तो 5 मिनट के अंदर मुझे डो बना के तैयार करना है। तो मेरा डो कैसा रहेगा मैं आपको बताता हूं। तो टाइमर स्टार्ट करता हूं, यहां पर आप देखिए, 1 गो। तो सबसे पहले मैं जो लूंगा, ये मैंने थोड़े से एक मिर्ची लिया है, हरा मिर्ची, और ये है इधर लेके आया, ये है हरा मिर्ची, ये है लहसुन, और ये है थोड़ा सा हरी धनिया। तो इसको मैं थोड़ा सा ना क्या करूंगा, इसमें इसको मैं पीसूंगा नहीं, इसको मैं कूट लूंगा थोड़ा इसके अंदर, जोर जोर से कैमरा लेके अभी देख रहा हूं जी। ठीक है, अभी इसको जो है ये कितना मोटा है मिर्च, कितना हरा है, और इसको इसमें डाल के, और इसको भी इसमें डाल देंगे, ये भी आ गया इसमें, ये भी, ये सब चीज को डाल दिया, बस थोड़ा ही थोड़ा लिया हमने, और ये देखते जाओ हमें कैसा बनता है। इसको अच्छी तरीके से हम थोड़ा कूट लेंगे, जो टाइमिंग है मेरा 1 मिनट हो गया है, और मैंने जो ये रेड नहीं सॉरी ग्रीन तो आज मैं बनाने वाला हूँ, क्या बनाने वाला हूँ आपको बता दूँ, मैं बनाने वाला हूँ चटनी पूरी। चटनी और नॉर्मल पूरी दोनों को मिक्स करके खाएगा, वैसा तो नहीं है बट कुछ वैसी रहेगा। तो जो है यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप आटा ले लिया है, और इसके ऊपर अभी मैं पानी डालूंगा, तो अभी मटके से पानी नेचुरल, देखो इसको पानी डाल के अच्छे तरीके से भूनना, ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर, तेरे लिए पानी फ्री है वैसे, फटाफट डाल देती हूँ, मटका उठा के तो तेरा ऐसा होगा ना, पानी के अंदर तूने ये आटा डाला वो।
हो गया। अभी तू छोड़ देना, जैसे टाइमर हो जाएगा। हो गया देखो, छोड़ नीचे रख उसका। हाँ तो इसमें डाल दूंगा। तो देखो फ्रेंड्स, मेरा हो गया, थोड़ी देर के लिए इसको मैं रेस्ट में रख देता हूँ और मैं टाइम स्टॉप कर दूंगा। 5 मिनट के अंदर मैंने मेरा डो रेडी कर लिया, अब आयुषी रेडी करेगी। तो चलो अब आपसे मिलेगी आयुषी। तो फ्रेंड्स अब आ गए हैं मेरे कुकिंग राउंड में। हाँ आओ, मैं देखती क्या मैं बनाने वाली हूँ। पता है क्या? नहीं, मैं बनाने वाली हूँ मसाला पूरी। ओके तो तू बनाई थी, तू बनाने वाली मसाला पूरी, मैंने बनाया था चटनी पूरी। अब देखते हैं कि ये कैसा बनाती है, चल बता। मसाला ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं पहले डालने वाली इसके अंदर थोड़ा सा रवा। पहले किसके अंदर डालेगी? आटे के अंदर। हाँ। आटे का कंपटीशन, तो आटे के अंदर डालूंगा। ओके पहले रवा, फिर उसके बाद बेसन। ओके फिर थोड़ा सा धनिया। हाँ। डाली। अच्छा बेसन भी इसमें गया? बेसन क्यों पूरी में? बेसन नहीं पता तू, वो तू डालियो, तू बता। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। हाँ? मसाला वाला है ना, थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे। रेड चिली पाउडर भी डाल दी? हाँ। तो कुछ ज्यादा स्पाइसी नहीं लग रहा है? या झोलो चिप ये बना रही है? तो झोलो चिप पूरी, झोलो चिप इससे का तो कमी रहे। कही, 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 कही। ये जीरा, जीरा। ओके डाल दी। और अब हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन इसमें डाल रही होगी? तो जीरा और अजवाइन दोनों डाली तूने, क्योंकि इससे ना हाँ अच्छा लगता है। ठीक है अब ए टाइम चालू कर। टाइम तेरा 4 मिनट तक ही रहेगा। 4 मिनट नहीं, मेरा 1 मिनट। 1 मिनट तेरे को बताने में लग गया। 1 मिनट तक रुकूंगी मैं, उससे ज्यादा नहीं। क्या? नहीं नहीं तू स्टार्ट कर, तू 4 मिनट तक, वो 4 मिनट हो जाएगा तो वैसे ही तरह होगा ना। 1 मिनट कैंसिल कर। हाँ, वो चलेगा। हाँ 1 मिनट कैंसिल कर। हाँ चल, तेरे पास अभी 4 ही मिनट है, हो जाएगा। हाँ देखते, वो धीरे धीरे बता रही थी, अभी टाइम स्टार्ट हो गया ना, अभी आप फटाफट हाथ चलेगा अभी। हाँ ये क्या था? नमक। तो बता दे जरा। बताइए। हाँ बस काम हो गया, मिक्स कर रहा है अभी इसको, बनेगा असली डो। ज्यादा पानी हो गया तू देख लेना फिर, मेरे को पता है कैसे बनाना है। ठीक है डाल पानी, रुक मिक्स करने का अच्छे से। नहीं डालेगी थोड़ी पानी, कुछ लाल वाला लग रहा है। 1 मिनट 20 सेकंड। इसने बना लिया अपना डो और ये रहा मेरा डो। अब ये दोनों को आपको मिलकर दिखा देता हूं। तो ये ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। तो ये जो बनाने वाले, अभी तू एक काम कर, तू अभी फ्राई भी तू ही करेगी स्टार्ट में। हाँ। समझी? मैं मेरा फ्राई करूंगी ना। हाँ तो मेरा थोड़ी ना बोल रहा हूँ तेरे को। तो मैं तेरे को तेरा ही बोल रहा हूँ। तो हम इसमें से ना 2 पूड़ी सिर्फ बनाएंगे, इसमें से 2 पूड़ी और इसमें से 2 पूड़ी टेस्ट के लिए, बराबर। चल तू अभी स्टार्ट कर अपना जो फ्राई करने का प्रोसेस। ओके तो फ्रेंड्स अब हम आगे फ्राई राउंड में। फ्राई
तो अभी मैं डाल मेरा फ्राई करने, फिर इसके बाद ये फ्राई करेगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं फ्राइंग राउंड में, फ्राइंग मतलब उसमें, उससे पहले जो है आयशे भी बनाएगी उसका टिक्की, टिक्की के पूरी, टिक्की के बाद उसको पूरी का शेप देगी ना, बड़ी टिक्की बनाएगी, उसका एक प्रोसेस से जाएगी ना तू, तो ऐसा मैं भी जाऊंगा। तो चल तेरा भी फटाफट बना तू, तेरा फर्स्ट टू पूरी छोटे छोटे, और ये गैस भी ऑन है, तेल गरम है, तेल डाल दे तब से तेल गरम होते रहेगा। डन 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 डन, थोड़ा डाल देना, डाल दे थोड़ा, बस हो गया। अब इसमें तुझे फ्राई करना है ऑयल में पूरी, अब देखते हैं आप जो है असली, थोड़ा बड़ा बड़ा बना, बड़ा बड़ा बना, जम्बू पूरी बना ना, मैं क्यों बनाऊं, जम्बू पूरी बना। घोल कैसा बनाने का वो मैं आपको बताता हूँ, तो पहले तू तेरे हिसाब से बना, समझी? असली पता चलेगा। ठीक है ठीक है, बन रहा है बन रहा है बन रहा है। परफेक्ट बनाइए गोल, अब फ्राई करेंगे तो देखो उसके ऊपर थोड़ा सा और आटा लगा के, और ये फिर से मेरा मतलब फूलेगा क्या नहीं वो फिर पता चल जाएगा। अभी इसका पूरी जो है देखते हैं, तेल गरम हो रहा है, ये जो तेल को थोड़ा गरम होने देता है, उसका ये जो दो है ये बनाने लग जाती है। फ्रेंड्स अभी तेल गरम हो चुका है, और तेल गरम हो गया है उसका इसने कैसे पता लगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखो इसने यहाँ पर एकदम छोटा सा पूरी बनी है, आप देख सकते हो स्मॉल पूरी, तो अभी देखते हैं। चल डाल, और ये फूलता है क्या नहीं, फूलता है क्या नहीं, तो गया। कितना मस्त लग रहा है। ओके, टेस्ट के बाद पता चलेगा कि तेरा पूरी का टेस्ट कैसा है। यहाँ पर जो है इसका फर्स्ट पूरी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अच्छा दिख रहा है, मुझे लगा लाल बनेगा, बट ठीक है नॉर्मल कलर बना। हाँ मतलब जंबो, उसके सामने ये जंबो लग रहा है, छोटा वाला लग रहा है। चलो अभी सेकंड पूरी, और फ्रेंड्स इसका सेकंड पूरी भी हो गया रेडी। और आप लोग इससे कमेंट में जरूर कमेंट करना कि इसके आप कुकिंग स्किल्स पे आप कितने पॉइंट्स दोगे, 10 out of 10। वाव कितना अच्छा बोल रहा है। इसका खुशियां समय नहीं जा रहा लगता है इतना। इसके अब पूरी हो गए रेडी। यहाँ पर आप देख, कड़क हुए क्या? कड़क नहीं, फूला है। ऐसा मत बोल, पहले देखते हैं ना ट्राई, पता चले तेरे से अच्छा फूल गया तो। इससे ज्यादा फूलेगा ही नहीं, और पूरी फूलते नहीं इसका। पर मैं फुलाऊंगा ना, फच का ही रह जाएगा। चलो फ्रेंड्स जिसका आप देख सकते हो उसका दोनों का दोनों पूरी हो गए रेडी, और ये हम बंद बना लेंगे, और अब मैं बनाऊंगा दो दो पूरी, और मेरा देखते हैं कैसा बनता है, गोल बनता है या कोई टोल बनता है। तो चलो मैं मिलता हूँ अभी आपसे। तो फ्रेंड्स अभी आपने देख लिया होगा आयुषी के लिए तो दो पूरी है वो हो गए हैं रेडी। अब जो है मैं बनाने वाला हूँ, यहाँ पर है मेरा दो, इसको मैं हाथ में ये देखिए, अभी इसको थोड़ा सा मैं फिर से एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा, अच्छी तरीके से इसका मालिश। इसके
दबाएगा ना तो वो उतना चिपकेगा। हाँ अभी देख, तूने इसके ऊपर ऐसे धक्की कर दिए थे कि चिपक गया ना इधर। लेट्स सी कितना अच्छा गोल बनता है। अभी ये बहुत बड़ा इम्तिहान। वाह क्या गोल बना है। की का थोड़ा मोटा बना बात लगे, बस गोल तो बना है। बराबर के देखते क्या बनता है। हाँ इतना बड़ा पूड़ी होता है क्या? वो पूरी से मतलब ना बड़ा है का टूटा उससे। हाँ ये देखो पहले इतना अच्छे सा गोल था, अभी देख अभी तो अच्छा ही गोल है। देख नहीं देख निकल गया टूटा। हाँ, तो फ्रेंड्स ये देखो मेरा थोड़ा सा बड़ा है बट ठीक है पूरी। बिगेस्ट पूरी वाव। नहीं फूला ही नहीं इसका तो। मैंने बोला था इतना बड़ा पूरी मत बना। पूरा कितना कितना वो इतना बड़ा फूला पूरे पूरे पूरी में। तू उसको ऐसे खिचमिच करेगा तो होएगा ही ना। बड़ा बन गया इसलिए उसके ना जगह नहीं था उतना। मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया बट ठीक है। यही देना जज को। मैं दूंगा ना मेरे हिसाब से। दो पूरी बनाने दिए तूने बनाई। दो ही बनाना है। ये हो गया एक। ये वैसे दो है एक में। हो गया ना। अब मेरे को क्या पता तू तेरा देख। हो गया। ये पापड़ बनाया कह रहे तूने पूरी की जगह। पूरी है। हाँ एक मेरा हो गया। ये जो आप देख सकते हो उसका लाल पूरी मेरा। मेरे पूरी से दूर ही रख इसको कि मेरे पूरी को चपटा कर देगा फिर। दो मिनट छोटा ही बनाया। बड़ा बनाने से क्या हो जाता है जब भी आपने देखा। छोटा भी बनाता हूँ मैं बहुत अच्छे ही बनता हूँ। अभी इसको देखो आप अगर हमने प्लेटफॉर्म जो है इसने क्या पूरा किचन को ही कैसे पूरा उठा कर दिया। खाना बना रहा हूँ। वैसे मेरा गोल मटोल हो गया। रुको परफेक्ट गोल कर दे रहा लेकिन इसको बड़ा बना। देख देख कितना अच्छा गोल किया मैंने। और इसको अच्छा इधर गया इधर इधर तो लेकिन गोल किया है। पंजा 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 तू उधर वैसे मत दबा उसको। मेरे को कैसे लग रहा है मैं तो नहीं दबाने का। लेकिन पुका देना मैंने बस। नहीं तू तू हारेगा पक्का हारेगा। देख वैसे पुका देना पक्का। पापा ने बनाया जो आप लोग बताना कैसा बनाए कमेंट में। पूरी का पता चल जाएगा कि किसने कितना अच्छा पूरी बनाया है। तो चलो आपको मिलते हैं और अब उसके रिजल्ट में। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए अपने रिजल्ट राउंड में और हमारे साथ अभी मम्मी आ चुकी है जो कि आज की मतलब हर पूरे मास्टर शेफ की मम्मी जज है। तो आज मम्मी टेस्ट करके बताएगी कि किसका पूरी कितना अच्छा है। तो दे और अभी हम लोग मम्मी को बताएंगे नहीं कि किसने को मिक्स करके दे रहे। हाँ मिक्स है आप देख ही सकते हो। तो ऐसे उठा के देते मम्मी जो उठाएगी। और अभी टेस्ट करके अभी मत बताना बाद में बताना कि लाल वाला अच्छा था कि व्हाइट वाला अच्छा था। बराबर ठीक है। देखने से बता कि क्या। हाँ देखने से बताना। अच्छा तो ये दिख रहा है मेरे को। हाँ अभी हम लोग कोई रिएक्शन नहीं देंगे। अभी आप लोग समझ जाना कौन सा मम्मी बोल रही है। और ये करकरा रहा एकदम पूरी है। और ये देख सकते हो। वाओ
ओके अभी देखते हैं किसका कौन सा कैसा है। अभी हम लोग बताएंगे नहीं मम्मी को किसका कौन सा है, वो बाद में बताएंगे, या तो मम्मी को ही बोलेंगे गेस करने को। हाँ, मम्मी को ठीक है। एक मम्मी ने भी कभी ऐसा पूरी नहीं कह रहे जैसे हम लोग ने बनाया पहली बार खा रहे हो ना। तो अभी देखते हैं कैसा है। अब पहले बता किसका कौन सा है। हाँ अभी मम्मी को गेस करने बोलते हैं कि किसका कौन सा, उसके बाद पूछेंगे कि किसका सबसे अच्छा है। जिस हिसाब से ये दिख रहा है सही है। तो मम्मी ने गेस कर लिया कि मैंने बनाया और जब ये गेस किया तो पता चला। तो अभी बता किसका सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट किसका है। सही, सबसे बेस्ट। दोनों भी इक्वल है तो बता देना, वैसे उस हिसाब से कोई फोर्स नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा है इसका इतना अच्छा नहीं है। नहीं हाँ खाने में तो दोनों अच्छा लगा, किसी को भी कम देने का। मेरे हिसाब से दोनों को 10-10 मिलना चाहिए। ओके बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है बराबर। तो अभी शेप की वजह से एक मार्क्स जाना चाहिए। हां ऐसा कुछ नहीं, इसका मम्मी पता है, ये कुछ ना कुछ करके ये पॉइंट्स निकालेगी ये। तो चलो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप देख ले रहे हो कि मास्टर शेफ हमारा आज पार्ट 13 है। तो हमारे साथ सपोर्ट इसी तरह बनाए रखे हम, ताकि 13 से लेके आगे तक का भी। तो चलो जो भी चैनल पर नए प्लीज अगर फटाफट से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आज का ये पूरी कैसा है आप भी कमेंट में जरूर बताना कि किसने कितना अच्छा बनाया। बनाया ठीक है, बट किसका कुकिंग स्किल सबसे अच्छा है वो आप भी कमेंट में जरूर करना। तो चलो मिलते हैं आपको इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज उसको जाकर फटाफट से फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।